नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूद अजहर को बैन करने के लिए कैसे चीन को सही रास्ते पर लाया भारत, जाने कूटनीतिक प्रयास की पूरी कहानी। 2009, 2016 और 2017 में मसूद अजहर को बैन कराने में असफल होने के बावजूद भारत ने कूटनीतिक कोशिश जारी रखी। संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी प्रतिनिधि अकबरुद्दीन का कहना है, मैं एमएस धोनी के अप्रोच में भरोसा रखता हूँ। किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा वक्त होता है। कभी ये नहीं करना चाहिए कि वक्त खत्म, कभी भी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। 23 मई को गिर जाएगी गुजरात सरकार, आंकड़ों से समझे पूर्व सीएम बाघले के दावे में कितना दम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया है कि 23 मई को गुजरात में रूपानी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 23 मई को बीजेपी सरकार की वापसी नहीं होगी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वाघेला ने यह दावा भी किया है कि गुजरात एवं महाराष्ट्र में बीजेपी के कई विधायक उनके साथ संपर्क में थे और वे केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने का इंतजार कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने उनके दावे पर खारिज करते हुए इसे निराधार बताया और कहा कि वह लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वाघेला ने कहा कि बीजेपी केंद्र और गुजरात दोनों जगह 23 मई को सत्ता गवा देगी। 23 मई को गुजरात के कई विधायक राज्य सरकार को गिरने के लिए इस्तीफा देंगे। वाघेला ने कहा कि मुझे लग रहा है कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में भी सरकार बदलेगी। गुजरात में कई विधायक लंबे समय से दुखी है। वाघेला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस 10 सीटें तक जीतने की स्थिति में होगी। आतंकियों के पास एसपी का झंडा, योगी बताए मठ हिंदू युवा वाहिनी और आरएसएस के अलावा उनके पास कितने झंडे हैं। अखिलेश, लोकसभा चुनाव 2019 के तहत जारी चौथे चरण की वोटिंग के बाद अब 3 चरणों का चुनाव बाकी है। पांचवें चरण के चुनाव 6 मई को होने हैं। बाकी 3 चरण में 169 लोकसभा सीट पर वोटिंग होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज 2 मई को मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से यूपी के दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले। वहीं अभिनेता से नेता बनने वाले सनी देओल भी आज गुरदासपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।